So, कर्मा और यंग आलिम के बीफ में या फिर जो डिस्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो रहा था उसमें अभी पॉज लगा हुआ है और बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि बीफ जो है कर्मा और यंग आलिम का खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि बीफ खत्म हुआ है, ठीक है, बीफ अभी भी चल रहा है, डिस्ट्रैक्ट आना बंद हो गया है और मुझे लगता है ये बीफ लंबा चलने वाला है। हो सकता है फ्यूचर में कर्मा या फिर यंग आलिम के साइड से हमें प्रॉपर डिस्ट्रैक्ट तो देखने को नहीं मिले बट सबलिमिनल्स तो जरूर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि अगले साल या फिर कुछ महीने के बाद, 6-7 महीने के बाद फिर से ये बीफ में कुछ स्पार्क आए या फिर बंटा रिकॉर्ड का कोई और आर्टिस्ट जंप करे इस बीफ में। हो सकता है कर्मा और यंग आलिम की हमें 2.0 बैटल देखने को मिल जाए। चलो ये तो बाद की बात है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये बीफ कर्मा और यंग आलिम का एक्चुअली स्टार्ट कहां से हुआ था, इसकी ओरिजिन क्या थी और अभी तक हमें कौन कौन से ट्रैक देखने को मिले हैं जिसमें कर्मा और यंग आलिम ने एक दूसरे के ऊपर शॉट्स ले रखा है। पहले तो ये बंटा रिकॉर्ड्स वर्सेस कलमकार था, फिर कर्मा के छोड़ने के बाद ये यंग आलिम वर्सेस कर्मा बन गया। तो हम स्टार्ट करेंगे बंटा रिकॉर्ड्स वर्सेस कलमकार से और कैसे ये कर्मा वर्सेस यंग आलिम बना, हम पूरी जर्नी पूरी टाइमलाइन देखने वाले हैं। सो अगर तुम इस बीफ में नए हो, अभी DHH में घुसे हो तुम बीफ की वजह से, क्योंकि बीफ के टाइम पे DHH में बहुत सारी ऑडियंस आती है, ठीक है, नए लोग आते हैं, ठीक है, चैनल के जो व्यूज है वो बढ़ जाते हैं अचानक से और भाई बहुत सारी रीच भी बढ़ती है। तो मैंने सोचा कि चलो जो नए लोग आए हैं उनको बताया जाए, जो पुराने ऑडियंस उनको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पूरी की पूरी टाइमलाइन कर्मा वर्सेस यंग आलिम बीफ की। सो ज्यादा लेट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स डू इट। तो जैसे तुम सबको पता है कि कलमकार और बंटा रिकॉर्ड्स का पुराना बीफ चला आ रहा है, ये स्टार्ट हुआ था एमीवे और रफ्तार के बीफ से, फिर एमीवे और कृष्णा का बीफ हुआ, ठीक है। सो 2022 जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे कृष्णा और एमीवे की जो बीफ थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पीक पे पहुंच गई थी, बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था एक दूसरे को। बंटा रिकॉर्ड्स और कलमकार के जो आर्टिस्ट है दोनों साइड से हमें स्टोरी देखने को मिल रही थी, ठीक है। और अप्रोक्स इसी टाइम पे February 6, 2022 को कर्मा ने एक ट्रैक ड्रॉप किया जिसका नाम था गूगल पे और इसमें कर्मा ने बंटा रिकॉर्ड्स के मल्टीपल आर्टिस्ट को डिस किया एंड इवन एमयूए बंटा के ऊपर भी शॉट्स लिए। बंटा ने कॉल मिला के बंटा रिकॉर्ड्स में पूछा बंटा रिकॉर्ड हम कैसे तोड़े इनका। ये ट्रैक पूरा का पूरा फुल फ्लेज्ड डिस ट्रैक तो नहीं था बट ये पहला ट्रैक था जिसमें कर्मा बीफ में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे थे और कर्मा ने बंटा रिकॉर्ड्स एनीवे के ऊपर शॉट्स लिया था और यहां से चीजों की शुरुआत हुई थी जो थोड़े देर में जाके बंटा रिकॉर्ड्स वर्सेस कलमकार बनती है और बाद में यंग आलिम वर्सेस कर्मा बनती है। इसके बाद बंटा रिकॉर्ड्स ने बहुत दिनों तक टीज किया कि उनके साइड से इस ट्रैक का गूगल पे का रिप्लाई ट्रैक आने वाला है और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। June 30, 2022 को बंटा रिकॉर्ड्स ने एक ट्रैक ड्रॉप किया जिसमें बंटा रिकॉर्ड्स के मल्टीपल आर्टिस्ट थे इंक्लूडिंग यंग गालिब, ठीक है। गाने का नाम था हुड में तो आ, कभी हुड में तो आ, अगेन दिस वॉज नॉट अ फुल फ्लेज्ड डिस ट्रैक बट इसमें बहुत सारे डायरेक्ट एंड सबलिमिनल शॉट्स थे कलमकार के लिए, कर्मा के लिए, कृष्णा के लिए, रफ्तार के लिए। दिस सॉन्ग वॉज रियली गुड, स्पेशली इस ट्रैक का जो हुक था वो मुझे बहुत पसंद आया एंड इवन ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया और ये जो ट्रैक था ये ऑलमोस्ट DHH में वायरल हो गया और ये वही टाइम था जब एनीवे और कृष्णा का ये बीफ चल रहा था और उनके साइड से भी डिस ट्रैक एक्सचेंज हमें देखने को मिल रहे थे। इसके बाद 9th नवंबर 2022 को हमें एक ट्रैक देखने को मिला जिसमें कर्मा और कृष्णा साथ में नजर आए, ट्रैक का नाम था टोनी मोंटाना। हिप हॉप इसको क्रिंज मत बनाओ, जो पड़ पट्टी को हुड मत बुलाओ, देश पे कब्जा तो हुड में मैं क्यों जाऊं। और ये वही ट्रैक था जिसमें कर्मा ने झोपड़पट्टी को डिस किया था, कर्मा ने बोला था कि झोपड़पट्टी को हुड मत बुलाओ। दिस सॉन्ग वाज काइंड ऑफ अ रिप्लाई ऑफ हुड में तो आ। इस ट्रैक में जो कर्मा का वर्स था ये पूरा वर्स सबलिमिनल और डायरेक्ट शॉट से भरा हुआ था एंड दिस वाज काइंड ऑफ अ रिप्लाई ऑफ द ट्रैक हुड में तो आ। इसके बाद 10th दिसंबर 2022 को यंग आलिम ने इस ट्रैक का प्रॉपर रिप्लाई करते हुए एक फुल फ्लेज्ड डिस ट्रैक निकाला जिसका नाम था झोपड़पट्टी। मैं बैठा था शांति से, देखा एक वाना बी एम एन माया मैं उसकी टांग खींचने खाते। इस ट्रैक में यंग आलिम ने मोस्टली कर्मा को डिस किया, साथ में कुछ रफ्तार और कृष्णा और कलमकार के लिए भी शॉट्स थे बट मोस्टली दिस वॉज अ रिप्लाई ऑफ टोनी मोंटाना या फिर उसके पहले जितने भी कर्मा के ट्रैक आए थे उसको काइंड ऑफ यहाँ पे रिप्लाई किया गया था यंग आलिम के साइड से। और इसके बाद बंटा रिकॉर्ड्स के कुछ और आर्टिस्ट के साइड से भी हमें स्टोरीज या फिर कुछ ट्रैक देखने को मिला था जो कि डिस ट्रैक था
कर्मा के लिए एंड कलमकार के लिए। एंड इवन कर्मा के साइड से भी हमें कुछ ट्रैक देखने को मिले जिसमें कर्मा ने भी सबलिमिनल शॉट्स लिया था बंटाई रिकॉर्ड के ऊपर। इसके बाद आता है साल 2023, कर्मा जो है कलमकार छोड़ देते हैं, ठीक है, और कुछ महीनों तक कर्मा के साइड से हमें कोई भी ट्रैक देखने को नहीं मिलता है। अप्रैल 7th 2023 कर्मा करते हैं कमबैक, ड्रॉप करते एक ट्रैक जिसका नाम था एयरप्लेन मोड, जो हाइप बस उसी में खुश रहते रही, इससे ज्यादा खुर्राक भी नहीं और इससे ज्यादा औकात भी नहीं। अगेन दिस वाज नॉट अ फुल फ्लेज्ड डिस ट्रैक, बट इसमें पर्टिकुलर यंग गालिब के ऊपर कुछ शॉट्स थे, उसके साथ साथ और भी मल्टीपल लोगों पे कर्मा ने शॉट्स ले रखा था। ये जो टाइम था ये रमजान का टाइम था, तो यंग गालिब ने इस ट्रैक का उस टाइम पे रिप्लाई नहीं किया। रमजान खत्म हुआ और यंग गालिब के साइड से हमें इस ट्रैक का रिप्लाई ट्रैक देखने को मिला। यंग गालिब ने ट्रैक ड्रॉप किया जो कि एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड डिस ट्रैक था, और यहीं से कर्मा वर्सेस यंग गालिब जो फाइनल बैटल था उसकी शुरुआत हो गई थी। ट्रैक का नाम था बीस्ट मोड। पाएगा जाना तो मिलके यंगू काफी, ये बात मैं मानता है, साफ था बाकी बना बाकी हान मां मैं लूंगा मुफ्त काफी। दिस वाज अ हार्डकोर फुल फ्लेज्ड डिस ट्रैक डायरेक्टेड टुवर्ड्स कर्मा, ठीक है, एंड दिस ट्रैक वाज गुड। सो अभी तक कर्मा को बहुत सारे लोगों ने डिस किया है, कर्मा ने उनको रिप्लाई नहीं किया था, बट अगले दिन ही अप्रैल 24th को कर्मा ने इस ट्रैक का रिप्लाई ट्रैक ड्रॉप कर दिया। ट्रैक का नाम था हाउ टू टेम योर बीस्ट। अगले दिन ही अप्रैल 25th को यंग गालिब ने रिप्लाई ट्रैक ड्रॉप कर दिया कर्मा के ट्रैक हाउ टू टेम योर बीस्ट का, और इस ट्रैक का नाम था बबली। कैसा तेरे पास नहीं स्टूडियो, तभी दिया रफ्तार ने जगह, तो सितारा तो चमका क्यों नहीं, क्यों दिया तू। अगेन दिस ट्रैक हैड लॉट ऑफ काउंटर्स, और लग रहा था कि ये बीफ और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। इस बीफ को एक चीज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट बना रही थी जो अभी तक हमें शायद डीएचएच में देखने को नहीं मिला है। बहुत कम ऐसा होता था कि 24 घंटे के अंदर रिप्लाई ट्रैक आ जाता था, वो भी म्यूजिक वीडियो के साथ, बट इस बीफ में हमें 24 घंटे के अंदर रिप्लाई ट्रैक देखने को मिल रहा था, वो भी प्रॉपर म्यूजिक वीडियो के साथ। अगेन इस ट्रैक का भी रिप्लाई ट्रैक अगले दिन ही 24 घंटे के अंदर कर्मा ने ड्रॉप कर दिया। इस ट्रैक का नाम था यंग गलीज। और जैसा मैंने ऑलरेडी अपने रिव्यू वीडियो में भी बताया है, दिस ट्रैक वॉज द बेस्ट ट्रैक ऑफ दिस बीफ सो फार। कर्मा किल्ड इट टोटली इन दिस वन। और इसके बाद अभी तक जो बीफ चला है उसका हमें फाइनल रिप्लाई फाइनल ट्रैक यंग गालिब के साइड से देखने को मिला। अप्रैल 27th को गाने का नाम था कुल्फा कर्मा। नहीं डरता वार्निंग से बचकाने तू वहम हटा, तेरी कुर्बानी के पहले मैं पढ़ लूं दो रका। और इस ट्रैक के ड्रॉप होने के बाद कर्मा ने इस डिस बैटल से बैकआउट कर लिया, ये बोलते हुए कि जो लास्ट ट्रैक था उसका रिप्लाई करना वर्थ नहीं था, या फिर वो लास्ट ट्रैक उतना अच्छा नहीं था कि कर्मा उसके लिए एक रिप्लाई ट्रैक ड्रॉप करे। सो ये थी अभी तक की इस बीफ की टाइमलाइन, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी चला आ रहा है। और जैसा मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया भी, ये बीफ अभी खत्म नहीं हुआ है। फ्यूचर में हमें जो भी ट्रैक देखने को मिलेंगे कर्मा यंग गालिब के साइड से, सबलिमिनल्स तो आएंगे, सबलिमिनल्स आएगा तो अगले साइड से रिप्लाई भी आएगा, तो हो सकता है कि इस बैटल का 2.0 हमें जल्दी फ्यूचर में देखने को मिले। सो बहुत लोग इस बीफ को मिड बुला रहे हैं, बहुत लोग को ये बीफ एंटरटेनिंग लगा। तुम लोगों को कैसा लगा ये बीफ, या फिर ये जो डिस बैटल था अभी तक, ठीक है, और तुम्हारे हिसाब से किसका पगड़ा भारी था, कर्मा का या फिर यंग गालिब का, या फिर तुम किसको सपोर्ट कर रहे थे, कर्मा को या फिर यंग गालिब को, प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फर्स्ट चैनल के साथ साथ सेकंड चैनल पे भी तुम्हें ऐसे ही कंटेंट अब देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया है तो। फर्स्ट चैनल को तुमने सब्सक्राइब किया ही होगा तो इस चैनल को भी कर लेना। बाकी दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।